भरतपुर जिले की पंचायत समिति उज्जैन ग्राम पंचायत पिंगोरा के सरपंच शशि कुमार कुशवा ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि ग्राम पंचायत पिंगोरा को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ विशेष बातचीत में सरपंच शशि कुमार कुशवा के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिच्ची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पिंगोरा पंचायत समिति उज्जैन जिला भरतपुर। पिंगोरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान जी शशि कुमार कुशवा से करते हैं खास मुलाकात। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। तो सरपंच साहब, आपका ग्राम पंचायत में मेन क्या मुद्दा है? ग्राम पंचायत में बहुत मुद्दे हैं जो कई सालों से जो काम रुके हुए थे वो हमने कराए हैं और प्रयासरत है कि हम उनको और कराएं, ग्राम पंचायत को एक आदर्श पंचायत की तरफ ले जाएं, मॉडल बनाएं, एक उदाहरण एग्जांपल बनाएं कि वही प्रयासरत है और वही हम लोग करेंगे। तो सरपंच साहब, बात करते हैं आपके प्रेम पिंगोरा ग्राम पंचायत की, तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर के लिए यहाँ पर एक पिंगोरा में बालकों के लिए माध्यमिक विद्यालय है जी, इससे अपर विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, दो स्कूल गवर्नमेंट है पिंगोरा में, बाकी गांव स्थल में भी एक आठवीं क्लास तक स्कूल है, बाकी इसको भी क्रमोन्नत करा दूंगा अगले सत्र तक मैं। जी जी, आपका लक्ष्य है? लक्ष्य है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धड़ेगा। सरपंच साहब, शिक्षा के साथ साथ बच्चे खेलों में भी रुचि रखते हैं, खेल भावना में भी आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे खेल मैदान की। तो वर्तमान में आपका पंचायत स्तर पे खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? खेल मैदान के लिए अभी अलॉटमेंट करा दिया है, उसके प्रयासरत है, उसकी बाउंड्री वॉल बना के बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य करा के उसमें कई सारी चीजें ऐड करानी है जो कि लोगों को खेल में रुचि रख सके और यहाँ पर खेल सुचारू हो सके। लोगों का इंटरेस्ट है, युवाओं का इंटरेस्ट है खेल के लिए, उनके लिए प्रयासरत है। एक और ग्राउंड हम लोग बनवा रहे हैं, स्कूल में ही बनवा रहे हैं, उसके लिए हमने प्रस्ताव भेजे हैं फंड के लिए, जैसे ही फंड आएगा हम विकास कार्य खेल मैदान का चालू कर देंगे। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जिसमें क्या है कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, इसमें आप क्या करेंगे? जो वंचित रह जाते हैं उनसे हम मुलाकात करके उनकी लिस्ट बना उनका सहयोग करते हैं, जाके उनसे फॉर्मेलिटी करवाते हैं और उनको जो उचित लाभ होता है उनको दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो सरपंच साहब, बात करते हैं जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे सब्सिडी मनाता है, इसके तहत आपने क्या करवाया? जो किस्त आई हमने विकास कार्य करवाए हैं, नाली निर्माण करवाया है, राजीव गांधी केंद्र पर विकास कार्य करवाया है, जबकि 25 सालों से हमारे यहाँ पे शमशान ऐसे ही पड़ी थी, बंजर पड़ी थी, उसकी बाउंड्री वॉल बना के उसको एक मॉडल मोच नाम का रूप दिया है, उसकी बाउंड्री वॉल बना के, और अभी उसमें वृक्षारोपण का कार्य करवाना है और उसको और सौंदर्यीकरण का कार्य करवाना है। हमने इंगोरा और अस्थल गाँव दोनों मिला के 3 शमशानों का विकास कार्य किया है जो कि आज देखने लायक है। इसके लिए आप प्रयासरत हैं, हमने काम करवा चुके हैं और आगे उसके सौंदर्यीकरण हम बढ़ाते रहेंगे, जैसे बजट आएगा और आगे हम उनका और भी सौंदर्यीकरण करेंगे जो लोगों को लगे कि हाँ विकास करवाया। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे पिंगोरा की, तो नरेगा के तहत आपने क्या करवाया? नरेगा के तहत हमने ग्रेवल सड़क करवाई है और आगे भी चलती रहेंगी। जी जी, चलो बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत स्तर पे बात करते हैं अपने सड़कों की, रोडों की, तो वर्तमान में सड़कों का स्तर कैसा है यहाँ का? सड़कों का स्तर अभी ठीक नहीं है, वही प्रयास चल रहा है, प्रस्ताव दे रखे हैं हमने और बनवाने का कार्य लोगों को मंत्रीगण से मिल रहे हैं और उनसे प्रस्ताव दे रखे हैं हमने उनको बनवाने के लिए। अभी सड़कों की हालत थोड़ी खस्ता है, खराब है जी जी, तो आगे हम प्रस्ताव भिजवा रहे हैं, सुधारने का प्रयास करवा रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे चिकित्सालय की, हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र की, तो वर्तमान में चिकित्सालय की कैसी व्यवस्था है ग्राम पंचायत स्तर पे? किस साल की ठीक है, एवरेज है, इतनी अच्छी नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे अपने यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं नहीं वो तो पशु चिकित्सालय। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे आजकल की युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य माना जाता है, शिक्षा में भी युवा पीढ़ी आगे बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन कोई 2-4-5-10% होते हैं युवा भटक जाते हैं रास्ता, आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है, तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते खासकर युवाओं को और पंचायत वासियों को नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि नशा मुक्त तो लोग छोड़ दे, आदतों को सुधार करें, अपना नशे से अच्छी सोच लाएं, एक नया विचार लाएं और प्रोग्रेस करें अपने करियर को लेके, एक संदेश दें कि हाँ हम जागरूक हों और एक मोटिवेशन हो कि हमने कुछ करना है, ऐसा कुछ हो, मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे स्वच्छ भारत मिशन की, स्वच्छता की, तो स्वच्छता के तहत साफ सफाई में स्वस्थ पंचायत वासियों को आप स्वच्छता पे क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छता पे कि अपने
घरों को साफ रखे, खुद स्वच्छ रहे और आसपास जो भी कूड़ा ना जमा ना होने दें। सरपंच साहब बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे COVID-19 कोरोना महामारी है, 2 साल से ग्राम पंचायत प्रभावित हो रही है, ठीक है, और बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। अभी सर्दी का जैसे आ रहा है मौसम तो तीसरी लहर भी दस्तक दे रही है, तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को कोरोना पे क्या संदेश देना चाहेंगे? तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है उनमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने लड़ाई की है कोरोना से लड़ने की, राजस्थान को कोरोना मुक्त कराया, वैसे ग्राम पंचायत स्तर पर हमें सुविधा मिलती रहती है। अभी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तीसरे दिन वैक्सीनेशन लग रहा है 100%। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहले पूरी पंचायत वैकेंट हो, वैक्सीन लग चुके हैं, डेली लग रहे हैं, और लोगों को संदेश दे रहे हैं इससे जो मास्क का यूज करें और अपने साफ सफाई रखें और कोरोना से दूर रहे। तो कहने का मतलब है सरपंच साहब, आपने ग्राम पंचायत वासियों को कोविड में भारत सरकार राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालन करवाया। जी तो सरपंच साहब बात करते हैं, जैसे अभी अपने कैंप लगे थे प्रशासन गांवों के संग, इसके तहत आपने क्या करवाया? प्रशासन गांव के संग कैंप लगे, उनमें लोगों को जो कई कार्य नहीं हो रहे थे उनको लाभ दिलवाया, पट्टे जारी करवाए। कितने पट्टे वगैरह जारी हुए? लगभग 30-40। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने RPD न्यूज को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।